वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो खास मेरियां भैणां दे लई आ, उन्हां भैणां दे लई जो कह दिंदियां ने कि सानू कम्मां कारां दी चिंता बहुत आ, कि साडे घर दे साडे बाहर दे कम्म कार बहुत ने, सानू एक मिनट दा समां वी नहीं मिलदा कि असीं बैठ के उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी नूं याद कर सकीए, उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी दी सिफत सलाह कर सकीए। तां अज दी वीडियो दे विच आपां उन्हां भैणां दे लई जां फिर उन्हां वीरां दे लई ये पाठ दसन जा रहे हां, ये शब्द दा जाप दसन जा रहे हां, जिन्हां नूं सारा दिन अपने कम्मां कारां तों वेल नहीं मिलदी, जो एक मिनट भी चौकड़ा मार के बैठ के टिक के पाठ नहीं कर सकते, तां उन्हां ने किंज पाठ करना है, किंज गुरु की खुशी हासिल करनी है। अज की वीडियो में आप इस विषय से गल करांगे, इस करके पूरी वीडियो नूं अंत तक ध्यान दे नाल सुनना अते समझना। तां मैं गुरु के उत्ते भरोसा रख के कह रही हाँ कि जेकर आप इस तरीके दे नाल पाठ करते हैं, इस तरीके दे नाल इस शब्द का जाप करते हैं, तां साडे उत्ते साडे गुरु की बेअंत कृपा होंदी आ, साडे गुरु की खुशी साडे गुरु की बरकत साडी झोली दे विच जरूर पै जांदी आ। फिर आओ वीडियो शुरू करिए, पर सब तो पहला कमेंट बॉक्स दे विच जाके एक बार वाहेगुरु जी जरूर लिख के आना। तो देखो जी, बहुते मनुखां दे मन दा सवाल यही हुंदा है कि असीं पाठ किंज करिए, क्योंकि साडे कम कार बहुत ने, साडियां जिम्मेवारियां बहुत ने, साडियां टेंशनां बहुत ने, सानू बाणी पढ़न दा समां नहीं मिलदा। जां फिर कई कह दिंदे ने कि असीं पाठ करन बैठता जांदे आ पर पाठ करन दे विच मन नहीं जुड़दा क्योंकि टेंशनां बहुत ने। अते अक्सर ही इह सवाल भैणां ज़्यादा करदियां ने, ओह कहिंदियां कि असीं ज्यों सवेरे 3 बजे तों उठदे आ रात 10 बजे तक असीं कदी बैठ के नहीं देखदे, क्योंकि सचमुच कई भैणां दे कम कार अजिहे हुंदे ने जिवें आपां पिंडां दे विच देखदे आ। तां पिंडां वालियां भैणां घर दा कम कार भी सारा करदियां ने, माल डंगर नूं भी संभालदियां ने, भाव कि जो भी उन्हां ने घर दे विच गावां मझां रखियां हुंदियां ने, उन्हां दियां धारां कढ़नियां, उन्हां दी सांभ संभाल करनी, उह घर दे कम कार भी करदियां ने, नाल नाल माल डंगर नूं भी सांभदियां ने, बच्चियां नूं सांभदियां ने, बजुर्गां दी देखभाल करदियां ने, भाव कि बहुत जिम्मेवारियां हुंदियां ने। अते कई भैणां अजिहियां ने जो घर दे कम कार करन दे नाल नाल ड्यूटी ते जांदियां ने, कोई नौकरी करदियां ने। तां जो भी मेरियां भैणां हर वेले बिजी रहिंदियां ने, हर वेले कम्मां कारां दी टेंशन हुंदी आ, जो बैठ के पाठ नहीं कर सकदियां, जो एक मिनट दा समां भी बैठ के टिक के पाठ नहीं कर सकदियां, अज दी वीडियो दे विच उन्हां दे लई जुगती आ। क्योंकि देखो जी, आपां कम कार चाहे जिन्ने मर्जी कर लईए पर नाल नाल उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी नूं याद करना, उहदी सिफत सलाह करनी भी जरूरी आ। जदों सिफत सलाह करदे आ मालक दा शुकराना करदे आ तां मालक दे चरणां दे नेड़े हुंने आ, जदों असीं बाणी पढ़दे आ बाणी नूं विचारदे आ तां सानूं ज्ञान दी प्राप्ति हुंदी आ। इस करके पाठ करना सिमरन करना दोवें ही साडे लई बहुत जरूरी ने, पर कम्मां कारां करके वेल नहीं मिलदी। तां इह साडी जो मन दी दुचित्ती आ जां मन दा मन दी टेंशन आ ना, इह साडे भगत साहिबान दूर करदे ने। कहिंदे इक वार भगत नामदेव जी भगत त्रिलोचन जी नाल गल कर रहे ने, अते भाई त्रिलोचन जी नूं कह रहे ने कि रब दा नाम लैणा किन्ना सौखा है, रब नाल जुड़ना किन्ना सौखा है। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੰਨਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि रब नाल जुड़ना बड़ा सौखा है क्योंकि मैं अपनी किरत नूं ही करते दे नाल जोड़ लिया है। ते भगत नामदेव जी ने उदाहरण दे के समझाया, कहिंदे हुण देखो जिवें छोटे बच्चे ने उह अपने हत्थी एक कागज दी पतंग बनाउंदे ने, फिर उस पतंग नूं आसमान दे विच उड़ा दिंदे ने, उहनां दी पतंग जदों उड़दी आ तां उपर वल नूं जांदी आ, बच्चा बड़ा खुश हुंदा है, उह अपने दोस्तां मित्रां दे नाल गल करदा है कि मेरी पतंग देखो किन्नी सोहनी उड रही आ। कहिंदे उह बच्चा दोस्तां दे नाल गल वी करदा है
पर पतंग दी डोरो बच्चे दे हाथ विच हुंदी आ, उह अपनी पतंग वल वी ध्यान रखदा है कि किते मेरी पतंग कट्टी ना जावे, नीचे डिग ना पवे। तो गल्लां करदा करदा होया वी उहदा ध्यान पतंग विच रहिंदा है, तो इस करके वह अपनी पतंग नूं बड़ा सोहना उड़ा पाउंदा है। पर जेकर वह बच्चा ध्यान हटा दे तो उहदी पतंग उसे वेले कट्टी जाएगी। पर ध्यान करके वह गल्लां भी कर रहा है, पतंग भी उड़ा रहा है। उसे ही तरह दूसरी उदाहरण भगत नामदेव जी दिंदे, कहिंदे कि जिस तरह बीबियां सिर दे उत्ते पानी का घड़ा चुक के लैके आउंदियां ने, सिर दे उत्ते पानी का भरिया होया घड़ा है, नाल बच्चा चुकिया है अते नाल नाल गल्लां करदियां आ रहियां ने, पर कहिंदे ओ पानी दा घड़ा सिर उत्तों डिगदा नहीं, ओ बड़ा सोहना टिकिया है। क्यों टिकिया है? क्योंकि ओ चाहे गल्लां कर रहियां ने, चाहे उन्हां दे हथ बिजी ने, पर उन्हां दा जिहड़ा ध्यान आ ना ओ घड़े दे विच आ। कहण दा भाव इह आ कि जदों साडा ध्यान जुड़ जांदा है ना, जिस चीज़ दे विच जुड़ जाता है वह चीज़ नूं असीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान ने ही बेड़ा पार लाउणा है। तो भगत नामदेव जी ने सानूं बड़ी सोहनी जुगत दसी आ कि असीं जो मर्जी काम धंधे करिए, जेकर साडा ध्यान मालक दे चरणां दे नाल जुड़िया है ना, तो सानूं मालक की खुशी मालक की कृपा जरूर हासिल होंदी आ। तो फिर इत्थे भगत साहिबाना ने सानूं बड़ी सोहनी जुगती दस दित्ती आ, खास करके भैणां दे लई इह जुगती तां बड़ी ही काम करदी आ। उन्हां दे घर परिवार नूं चढ़दी कला तरक्की बख्शदी आ, क्योंकि जदों भैणां अपने काम कार करदियां होईयां नाम जपदियां ने तां उन्हां दे घर दी वाइब्रेशन ही पॉजिटिव हो जांदी आ, क्योंकि सारे पासे नाम दा पसारा हो जांदा है। क्योंकि भैणां घर दे काम कार की करदियां ने, घर दी साफ सफाई कर ली, भोजन तैयार कर लिया, तो वह जिथे जिथे भी काम करदियां ने, जिहड़ा जिहड़ा काम करदियां ने, जेकर नाम जपदियां होईयां करदियां ने, तो वह सारे ही कम्मां दे विच नाम की बरकत पै जांदी आ। घर दा चार छपेरा नाम दे नाल महक जांदा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे नाल भर जांदा है। तो मेरियां भैणां जदों भी खाणा बणाउंदियां ने उदों ही सतनाम वाहेगुरु जी का जाप करो, मूल मंत्र जी का जाप करो, या फिर जो भी बाणी तुहानूं कंठ होवे, चौपाई साहब जी की बाणी हो गई, तीन मिनट की बाणी आ, सौखी कंठ हो जाती है। जेकर ये बाणी का जाप करदिया होया भी असी काम कार करिए, झाड़ू पोचा बर्तन या रोटी बनाते हुए, आटा गुनते हुए, सब्जी बनाते हुए, मतलब कि हर एक काम कार करदिया होया जेकर असी बाणी पढ़ते हाँ, शब्द का जाप करते हैं, तो साढ़े गुरु की कृपा जरूर साढ़े उत्ते होंगी आ। इस ही तरह मेरे वीर जदों भी अपने दफ्तर के काम कार करते हैं, खेतों में काम कार करते हुए भी अपना चित मालक के चरणों के नाल जोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 1430 अंग ने। जेकर असी एक भी नाम का पला फड़ लीए, एक भी शब्द का पला फड़ लीए, तो साडा पार उतारा हो सकता है। तो इस करके जो भी नाम जपना है मन ला के जपना है, काम चाहे जिन्हें मर्जी कर लो, पर ध्यान साडा गुरु चरणों के होना चाहिए है। चाहे किसी भी शब्द किसी भी बाणी के रूप के राही हो, साडे उत्ते गुरु कृपा जरूर करते हैं।